हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी के एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट की। देखिए, इस मॉक टेस्ट में हमने मैथ सेक्शन के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में आपको इन 25 क्वेश्चन के राइट आंसर बताने वाला हूँ और उसके बाद इन क्वेश्चन की फुल एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो देखिए, इस वीडियो का पूरा फायदा उठाने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, 3 मीटर भुजा वाले घन का आयतन होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 27 क्यूबिक मीटर। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य होगा। तो देखिए, नीचे दिए गए आंकड़ों का आपको माध्य ज्ञात करना है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15। 2 बिंदुओं के बीच दूरी है। तो देखिए, यहां पर 2 बिंदु दिए गए हैं, -5, 7 और -1, 3। इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4√2। एक सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है और वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर मिलती है, उस रेखा को कहते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है एक सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है और वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर मिलती है। मान लो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा वृत्त से पॉइंट ए और पॉइंट बी पर मिलती है। तो देखिए, इस रेखा को क्या कहते हैं? इस रेखा को व्यास यानी डायमीटर कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4/3 πr³। (0.004⁴/3/2) का मान होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 0.008। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद रैखिक बहुपद है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, यहां पर x^1 है, इसलिए ये बहुपद रैखिक बहुपद है। नीचे दी गई श्रृंखला में गायब संख्या होगी। तो देखिए, नीचे श्रृंखला दी गई है 1, 5, 9, 13, 17, 21 और 21 के बाद आपको गायब संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, यहां पर प्रत्येक संख्याओं के बीच 4 का डिफरेंस है, इसलिए 21 के बाद नेक्स्ट संख्या 25 होगी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25। संख्याएं 105, 165, 270, 1350 का महत्व समावर्त्य होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15। एक वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, उसका परिमाप है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको वृत्त का परिमाप ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10π cm। निम्नलिखित समीकरणों में x और y के मान हैं। तो देखिए, यहां पर 2 इक्वेशनें दी गई हैं, 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। आपको इन 2 इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, x = 2 and y = 1। 2 संख्याओं का योग 15 है और अंतर 3 है, संख्याएं होगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9 और 6। रैखिक समीकरणों (a₁x + b₁y + c₁=0) और (a₂x + b₂y + c₂=0) का अद्वितीय हल होगा यदि। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, (a₂ does not equal to b₁/b₂). तो देखिए, ये सभी रैखिक समीकरणों के केस है। यदि (a₁/a₂) = b₁/b₂) = c₁/c₂ है, तो उस केस में रैखिक समीकरण के इनफाइनाइट यानी अपरिमित हल होंगे। यदि (a₁/a₂) = b₁/b₂
डज नॉट इक्वल टू सी वन ओवर सी टू। तो देखिए उस केस में रैखिक समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तो देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट केस आपको याद रखने हैं। दो अंकों वाली कितनी संख्याएं तीन से विभाज्य है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 30। पाइथागोरस प्रमेय सत्य है? तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए सत्य है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो देखिए इस तरह का त्रिभुज समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कॉस थीटा। कोण थीटा वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वेयर। अंडरूड 2 है? तो देखिए अंडरूड 2 अप्रमेय संख्या है। यदि हम प्रमेय और अप्रमेय संख्या की बात करें तो जिस संख्या को हम P बटा Q यानी अंश और हर की फॉर्म में लिख सकते हैं वह संख्या प्रमेय संख्या कहलाती है, जबकि जिस संख्या को हम P बटा Q यानी अंश और हर की फॉर्म में नहीं लिख सकते उस संख्या को अप्रमेय संख्या कहते हैं। बिंदु -1,0 है? तो देखिए यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि ये बिंदु किस एक्सिस में है। तो देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो देखिए इस एक्सिस में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, और इस एक्सिस में वाई की वैल्यू नेगेटिव है और एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। तो देखिए बिंदु दिया गया है 0,-1। तो देखिए ये बिंदु इस एक्सिस पर पड़ता है, यानी कि बिंदु -1,0 एक्स एक्सिस पर पड़ता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्स एक्सिस। वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम माप का होता है कहलाता है? तो देखिए इस तरह के कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। उस अलमारी का अंकित मूल्य जो 5% का बटा देने के बाद 5,225 रुपये में बेची जाती है होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 5,500 रुपये। रोमन अंकों में 69 को लिखा जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 26 और 91 का लघुतम समाप वर्तक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 182। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण है? तो देखिए समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वेयर का मान होगा। तो देखिए आपको यहां पर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 2x का स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर। अब मैं आपको इन क्वेश्चन की पूरी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 मीटर भुजा वाले घन का आयतन होगा। तो देखिए घन स्क्वेयर फेसी से मिलकर बनी एक आकृति है जैसे कि यहाँ डायग्राम में बताया गया, और इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है और घन का आयतन है ए क्यूब। तो देखिए सिंपली यहाँ पर हम ए की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्वेश्चन में दी गई है 3 मीटर, और यहाँ से हम घन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य होगा? तो देखिए माध्य यानी मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है अंकों का कुल योग अपॉन कुल संख्या। तो देखिए सबसे पहले हम दिए गए अंकों को ऐड करेंगे और उसके बाद इन अंकों की कुल संख्या से इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं माध्य। तो देखिए माध्य के अलावा आपको मालूम होना चाहिए हम माध्यिका और बहुलक को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए माध्यिका फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम दिए गए अंकों को आरोही क्रम में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिए गए अंकों की कुल संख्या है 7, और देखेंगे कि 7 की सेंटर संख्या कौन सी है। देखिए 7 की सेंटर संख्या है 4 और चौथे नंबर पर है 12, इसलिए
यहां से माध्यिका रहेगी 12। केस सेकंड की बात करें तो यहां पर कुल अंक है 6, और इस केस में माध्यिका फाइंड आउट करने के लिए हम तीसरे और चौथी संख्या को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जैसा कि यहां पर बताया गया है, और यहां से हम माध्यिका फाइंड आउट कर सकते हैं, और माध्यिका है 9। बहुलक, तो देखिए बहुलक फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे अधिक दी गई है। तो देखिए यहां पर 3 सबसे अधिक दी गई है, इसलिए बहुलक होगा 3। दो बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच दूरी है। तो देखिए यहां पर आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए हम दूरी यानी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला है √ x2 - x1 का स्क्वेयर प्लस y2 - y1 का स्क्वेयर। तो देखिए यहां पर हम सिंपली x2 x1 और y2 y1 की वैल्यू पुट करेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करने पर हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि है 4√2। एक सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है और वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर मिलती है, उस रेखा को कहते हैं। तो देखिए उस रेखा को डायमीटर कहते हैं। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। तो देखिए गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए इसके अलावा बेलन का आयतन πr²h, शंकु का आयतन 1/3 πr²h, घन का आयतन a³, और घनाभ का आयतन length×width×height। तो देखिए यदि हम घन और घनाभ के बीच के डिफरेंस की बात करें तो घन के फेसेस स्क्वेयर साइजेस के होते हैं, जबकि घनाभ के फेसेस रेक्टेंगुलर साइज के होते हैं। 0.04⁴/3/2 का मान होगा। तो देखिए सिंपली हम इस इक्वेशन को इस तरह से राइट डाउन करेंगे। तो देखिए 1/2 की वैल्यू √ के बराबर होती है, इसलिए हम इस इक्वेशन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हम यहां से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद रैखिक है? तो देखिए ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। संख्याएं 105, 165, 270 और 1350 का महत्व समापवर्त्य होगा। तो देखिए सिंपली सबसे पहले हम 105, 165, 270 और 1350 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे, जैसे कि यहां पर बताया गया है। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे कि कौन सी टर्म जो है इन चारों के गुणनखंड में सेम है। तो देखिए सबसे पहले 5 चारों के गुणनखंड में सेम है, इसलिए यहां पर हम 5 लिखेंगे, और दूसरी संख्या है 3, 3 भी इन चारों के गुणनखंड में सेम है। तो देखिए इसलिए इस का महत्व समावर्त्य यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 5×3=15। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप है। तो देखिए वृत्त का परिमाप फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 2πr। सिंपली यहां पर r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी गई है, और इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और यहां से हम वृत्त का परिमाप फाइंड आउट कर सकते हैं 10πr। निम्नलिखित समीकरणों में x और y के मान हैं। तो देखिए नीचे इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन 1 2x + y = 5, और इक्वेशन 2 दी गई है 3x + 2y = 8। तो देखिए सिंपली इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो देखिए y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पर हम यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और x की वैल्यू है 2। तो देखिए जो x की वैल्यू 2 हमने यहां से फाइंड आउट की है, उसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, और x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और y की वैल्यू है 1।
दो संख्याओं का योग 15 है और अंतर 3 है, संख्याएं होगी। तो देखिए, मान लो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का योग 15 है, तो देखिए पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, इनका योग 15 है और इनका अंतर 3 है। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस एक्स की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पर वाई की वैल्यू है 6। तो देखिए अब वाई की वैल्यू 6, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर एक्स की वैल्यू आती है 9। इसलिए एक्स की वैल्यू है 9 और वाई की वैल्यू है 6। दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? तो देखिए जैसे कि 12, 15, 18, इस तरह की संख्या जो है 3 से विभाज्य संख्या है। यदि हम 1 से 99 तक की 3 से विभाज्य संख्याओं की बात करें तो टोटल संख्याएं हैं 33। दो अंकों की 3 से विभाज्य संख्याओं की बात करें तो टोटल संख्याएं हैं 30। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो देखिए इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसकी वैल्यू है कॉस थीटा। तो देखिए इसके अलावा आपको ये सभी वैल्यू याद रखनी है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सिकेंट थीटा, सिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो देखिए ये सभी वैल्यू आपको याद रखनी है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, तो देखिए यहां से आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। ये है त्रिज्यखंड जैसे कि डायग्राम में बताया गया है, और त्रिज्यखंड यानी सेक्टर दो प्रकार के होते हैं, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई थीटा 360। वह कोण जो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होता है कहलाता है। तो देखिए इस तरह के कोण प्रतिवर्ती कोण होते हैं। तो देखिए 180 डिग्री के कोण को हम ऋजु कोण कहते हैं, और जो कोण 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है उस कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो देखिए 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। ये सभी वैल्यू आपको याद रखनी है। उस अलमारी का अंकित मूल्य जो 5% का बट्टा यानी छूट देने के बाद 5,225 रुपये में बेची जाती है होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको अलमारी का MRP यानी अंकित मूल्य फाइंड आउट करना है। सिंपली सबसे पहले मान लो अंकित मूल्य यानी MRP जो है 100 रुपये है, और यहाँ पर जो है 5% की छूट दी जाती है। यदि अंकित मूल्य यानी MRP 100 रुपये है और 5% की छूट दी जाती है, तो उसके बाद इसका सेलिंग प्राइस होगा 95 रुपये। तो देखिए जब विक्रय मूल्य 95 रुपये है तो अंकित मूल्य 100 रुपये है, यानी जब सेलिंग प्राइस 95 रुपये है तो MRP 100 रुपये है। तो देखिए ये हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। इसी प्रकार से जब विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो अंकित मूल्य 100/95 रुपये होगा, यानी कि 1 रुपये के लिए अंकित मूल्य यानी MRP 100/95 रुपये होगा। इसी प्रकार से जब विक्रय मूल्य 5,225 रुपये है तो अंकित मूल्य होगा। तो देखिए उस केस में अंकित मूल्य फाइंड आउट करने के लिए हम 100/95 को 5,225 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से हम अलमारी का अंकित मूल्य यानी MRP फाइंड आउट कर सकते हैं। और अलमारी का अंकित मूल्य यानी MRP है 5,500 रुपये। 2691 का लघुतम समापवर्तक है, तो देखिए सिंपली हम इस तरह से इसका लघुतम समापवर्तक फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसका लघुतम समापवर्तक है 182। एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको
ये दो फॉर्मूले यूज करने हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए, और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हम ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, ये थी पूरी जानकारी हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी के एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट की। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।